Hello, third standard. This is your ICT lecture, and today we are going to learn Unit 6 using Notepad. अभी हम इस लेसन में नोटपैड कैसे यूज करना वो सीखने वाले हैं. इन द प्रीवियस क्लास वी हैव यूज द नोटपैड एप्लीकेशन टू टाइप. लेट्स लर्न मोर अबाउट दिस एप्लीकेशन टू. फर्स्ट इससे पहले हमने नोटपैड जो है वो टाइपिंग कैसे करते हैं इसके लिए देखा था. अभी हम देखते हैं कि इसे यूज कैसे करते हैं. तो नोटपैड स्टार्ट कैसे करते हैं, आपको स्टार्ट मेनू में जाना है और यहाँ पे नोटपैड स्टार्ट मेनू पे क्लिक करके यहाँ पे नोटपैड सर्च करना है. देखिए ये नोटपैड दिखेगा, फिर आपको उस पर डबल क्लिक करके ओपन करना है, या फिर आप स्टार्ट मेनू में जाके और प्रोग्राम में जाके एसेसरीज में जाके नोटपैड ओपन कर सकते हैं. अभी आपको ये ब्लैंक डिस्प्ले स्क्रीन दिखाई देगी. इसमें देखिए ये मेनू बार होता है और जहाँ पे अनटाइटल्ड नोटपैड लिखा है वो टाइटल बार होता है. टाइटल बार, द टाइटल बार डिस्प्ले द नेम ऑफ द डॉक्यूमेंट. इट शो untitle it as the document name till you save the document and give it name. Then it display the name it is saved as. देखिए ये जो untitled notepad है यहाँ पे अगर हम ये फाइल सेव करेंगे और कुछ नेम देंगे, अगर कुछ भी हम एप्पल करके नेम देंगे तो यहाँ पे एप्पल नोटपैड ऐसे लिख के आएगा. तो जो हम सेव करते समय नेम देंगे वो इस टाइटल बार पे दिखाई देता है. नेक्स्ट क्या है, ये है मेनू बार. द मेनू बार कंटेन द फॉलोइंग ऑप्शन. तो मेनू बार में ये सब ऑप्शन होते हैं. फर्स्ट है फाइल. अगर आप फाइल पे क्लिक करेंगे तो आपको न्यू, न्यू विंडो, ओपन, सेव, सेव एज, पेज सेटअप, प्रिंट, एग्जिट, ये ऑप्शन दिखाई देंगे. नेक्स्ट क्या है, एडिट. एडिट पे अगर आप क्लिक करते तो आपको अंडो, कट, कॉपी, पेस्ट, डिलीट, सर्च विद बिंग, फाइंड, फाइंड नेक्स्ट, फाइंड प्रीवियस, रिप्लेस, गो टू, सिलेक्ट ऑल, टाइम डेट, ये सभी ऑप्शन आपको दिखाई देंगे जो आप यूज कर सकते हो. थर्ड मेनू है फॉर्मेट. फॉर्मेट में क्या होता है, इंक्लूड द वर्ड ग्रैप ऑप्शन एंड द फॉन्ट ऑप्शन. अगर आप फॉन्ट ऑप्शन क्लिक करेंगे तो उसमें आपको फॉन्ट, फॉन्ट टाइप कौन सा है, फॉन्ट स्टाइल, साइज और उसकी स्क्रिप्ट, वो सब आप सिलेक्ट कर सकते हैं. अभी यहाँ पे हमने एरियल फॉन्ट सिलेक्ट किया है और हम जो फॉन्ट स्टाइल है वो ब्लैक सिलेक्ट करते हैं या फिर बोल्ड सिलेक्ट करते हैं और उसकी साइज 24 करते हैं. तो आपको जैसे चाहिए वो आप सिलेक्ट करके आपको सेव करना है. और जो वर्ड ग्रैप ऑप्शन होता है फॉर्मेट में वो हम क्यों यूज करते हैं, जो टेक्स्ट होता है स्क्रीन पे वो अगर हमें हॉरिजेंटली देखना हो तो उसके लिए हम वर्ड ग्रैप ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं. नेक्स्ट क्या है, व्यू ऑप्शन. इंक्लूड द स्टेटस बार ऑप्शन. इसमें क्या होता है, एक स्टेटस बार ऑप्शन होता है और एक जूम ऑप्शन होता है. जूम ऑप्शन में हम जूम इन, जूम आउट, रिस्टोर डिफॉल्ट जूम या कर सकते हैं. उसमें हमारी जो स्क्रीन है वो जूम हो जाती है. और जो स्टेटस बार है वो हम किस लिए यूज करते हैं, When you want to horizontally scroll through your text, uncheck the word wrap option if you want to use the status bar option. अगर हमें अपना जो टेक्स्ट हम टाइप करते हैं नोटपैड में वो हॉरिजेंटली देखना हो तो हम स्टेटस बार ये ऑप्शन यूज करते हैं. पर जब हम स्टेटस बार ऑप्शन यूज करेंगे तब हमें वर्ड रैप ऑप्शन बंद करना है, अनचेक करना है. नेक्स्ट ऑप्शन होता है हेल्प. हेल्प में क्या होता है, आपको कौन सी हेल्प चाहिए तो व्यू हेल्प पे जा सकते हैं. अगर आपको कुछ फीडबैक देना है नोटपैड के बारे में तो वो आप सेंड फीडबैक में जाके दे सकते हैं. और यहाँ पे अबाउट नोटपैड, मतलब नोटपैड के बारे में कैसे यूज करने हैं वो सभी इंफॉर्मेशन अबाउट नोटपैड में होती है. अभी हम देखते हैं नेक्स्ट 6.2, सेविंग अ फाइल इन अ नोटपैड. नोटपैड में फाइल कैसे सेव करते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना है, पहले यहाँ पे कुछ सेंटेंस टाइप करने. तो हम टाइप करते हैं यहाँ पे इंक्लूड
स्टेटस बार ऑप्शन, ये एक लाइन हम टाइप करते हैं। अभी हमें इसे सेव करना है, इसलिए हमें क्या करना है, फाइल मेनू में जाके जो सेव ऑप्शन है उस पर हमें क्लिक करना है। और यहाँ पे आपको फाइल को जो नेम देना है वो आप डाल सकते हो। अभी हम यहाँ पे डालते हैं एप्पल वन और सेव पे आपको क्लिक करना है। देखिए यहाँ पे जहाँ पे अनटाइटल्ड लिखा था वहाँ पे एप्पल वन करके क्लिक किया गया, तो आपकी ये फाइल सेव हो गई। तो आपको कभी भी ये फाइल ओपन करनी हो तो आप नोट पैड में जाके, फाइल में जाके, ओपन में जाके आप अपनी एप्पल वन फाइल नेम सर्च करके ओपन कर सकते हैं। अभी हम देखते हैं नोट पैड एग्जिट कैसे करते हैं। इसके लिए हमें क्या करना है, फाइल मेन्यू में जाना है और वहाँ पे ऑप्शन होता है एग्जिट करके, उस पर हमें क्लिक करना है। देखिए ये एग्जिट पे हम क्लिक करेंगे तो हमारा जो नोट पैड है वो बंद हो जाएगा। देखिए बंद हो गया। तो ऐसे हमें नोट पैड ओपन करना है, उसमें फाइव सेंटेंस टाइप करने हैं, उसे सेव करने हैं और फिर एग्जिट करना है। तो यहाँ पे हमारा ये लेसन कंप्लीट होता है। ये आपको वीडियो अच्छे से देख के नोट पैड यूज़ करना है। थैंक यू।